नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं रिव्यू व्लॉगर। आज मैं लेके आया हूं आपके मोबाइल शॉप पे। अगर आप भी अपना मोबाइल का शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे मोबाइल शॉप का इंटीरियर हो, कैसा उसका डिज़ाइन हो, कितने बजट से आप अपना जो है मोबाइल शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आया हूँ आपके जो है मोबाइल शॉप के भाई के, और उनसे बात करते हैं यहाँ के ऑनर से और जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप अपना एक मोबाइल शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रेंज उनके पास मोबाइल के हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे मिलकर जानते हैं। तो आइए डायरेक्ट उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है अश्विनी भाई आपका जो है हमारे चैनल पे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। ठीक है, मैं आशीष अश्विनी सोनी और मेरा एक शॉप है जो है भदोही में, स्टेशन रोड फ्रंट कोतवाली, कोतवाली ठीक सामने। बस ये है कि आप अजय जी आपके जो है चैनल के माध्यम से जो है इसको और भी जो है आज ग्रोथ करने का मौका मिला। चलिए बहुत अच्छी बात है जो है। तो इनके पास जो जो ब्रांड हैं, जो जो मोबाइल हैं, आज ये सारा दिखाने वाले हैं आप लोगों को। उसके साथ साथ हमारे व्यूवर्स को आप ये भी बताइएगा जो है, मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है अपना मोबाइल शॉप खोलने के लिए, तो क्या कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन बता। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सिंपल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो भाई की शॉप का एड्रेस, इनका डिटेल, इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कभी भी जो है मोबाइल लेना हो या मोबाइल से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपको, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट इनसे आके मिल सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप आइए इनकी शॉप पे, कभी भी आपको लेना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा जो है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है लोन पे फ़ोन, इसके लिए क्या है? बिल्कुल, जो है हमारे यहाँ जो है सभी तरीके के फाइनेंस भी हैं, और आप भारत के किसी भी आईडी का जो है, मतलब कहीं का भी आईडी हो, हमारे यहाँ आपको फ़ोन मिल जाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा, भी हमारे यहाँ स्पेशल, ये बहुत अच्छी बात है जो है कि लोन पे फ़ोन आप लेना चाहते हो तो इनके लिए उपलब्ध है कहीं से भी। बिल्कुल अजय जी, कहीं से भी, मतलब आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो इसके स्कीम चलते रहते हैं, स्वैप, ऑनलाइन, UPI और फाइनेंस, किसी भी तरीके से आप हमारे यहाँ फ़ोन खरीद सकते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है जो है, आप जो है अगर लोन पे फ़ोन लेना चाहें तो ये फैसिलिटी इनके यहाँ उपलब्ध है। तो आइए देख लेते हैं इनके पास कौन कौन से ब्रांड है, कौन से मोबाइल्स हैं, देखें चल के सब। बिल्कुल आइए। अच्छा, एक चीज़ और, कितने से स्टार्ट करने वाले हैं जो आज? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सबसे मिनिमम फ़ोन 899 यानी 899 रुपये से लेके अनलिमिटेड आप जाते रहिए, चाहे जितना भी जो है 1,00,000 रुपए से ऊपर तक जाते रहिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। वाह, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बना रही है कि वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और वीडियो को देखते रहिए। चलिए आइए शुरू। अजय जी देखिए, ये हमारे पास सबसे कम प्राइस में यही है, 899 रुपए का ये फ़ोन है माइक्रोमैक्स का। उसके साथ साथ बस केवल एक ही चीज़ है कि अभी फर्स्ट टाइम ये अपने पास आया और कहीं भी इस फ़ोन का अवेलेबिलिटी नहीं है, ये 4G फ़ोन है और इसमें जियो का सिम लगता है। ये अभी नया आईटेल का ब्रांड आया है ये, और हमारे भाइयों के लिए कुछ प्रोडक्ट जो है वीवो कंपनी में आया हुआ है, जो कि 5G इस समय सबसे कम रेंज में अगर ब्रांड में कोई दे रहा है तो फिर वीवो ही अपना दे रहा है इस हिसाब से, ताकि चल सके। अब देखिए वीवो में 5G में ये आपका जो है 21,000 रुपए में जो है ज़बरदस्त फ़ोन आया है, प्लस जो है V20 सीरीज़ में आया हुआ है जो है 25,000 रुपये में। इसमें आपको 8GB रैम और प्लस 3GB एक्स्ट्रा आप एक्सटर्नल रैम बढ़ा सकते हैं, तो ये भी पबजी लवर के लिए बेस्ट फ़ोन है। और एक फ़ोन आया है ये Y53 जो 8GB 20,000 के अंदर के सेगमेंट में लोग इसमें मांगते हैं, और तीनों फ़ोन इसमें लेटेस्ट हुए आए हुए हैं। तो आप अगर आएंगे तो फिर इस पे जो भी आपका जो है कार्ड से स्कीम, जो भी स्कीमें होगी आपको लेस करके उचित प्राइस आपको दिया जाएगा, बेस्ट प्राइस। ये सैमसंग में कुछ फ़ोन आए हुए हैं जो बैटरी
बैकअप जो लोगों को चाहिए उसके लिए 7000 mAh की बैटरी में और 8GB RAM 128GB इंटरनल 64 MP में 26000 रुपये के रेंज में ये एकदम सुपर फ़ोन है जिसके लिए चाहिए। उसके साथ साथ प्रीमियम सेगमेंट में आता है तो प्रीमियम सेगमेंट में ये S20 सीरीज़ अपना आ रहा है जो है FE में, ये पबजी लवर और प्रीमियम सिगरेट सभी में है। और उसके बाद अगर आपको जो है थोड़ा सा हाई रेंज में चाहिए तो फिर आप फ़ोन ले सकते हैं एस सीरीज़ में S21 अल्ट्रा, ये 1,06,000 रुपये का फ़ोन है जो कि इस प्राइस में किसी कंपनी के पास जो है ऐसा फ़ोन नहीं है जो इसके कंपटीटर में आ सके। और आईफोन में अगर आपको चाहिए तो आईफोन में आईफोन 12, 11, 11 प्रो 12 मतलब आईफोन के सारे मॉडल मिल जाएंगे हमारे पास, तो सारे ही फ़ोन प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जिसमें आपको सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, वन प्लस, आईफोन, सारे फ़ोन आपको जो है एकदम बेस्ट प्राइस में मिलेंगे ताकि आपको आसपास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ ऑनलाइन से भी आपको जो है दिक्कत करे। तो हम लोग जो है हर समय चाहते हैं कि कस्टमर को अपना ही एक ऐसा जो है प्राइस सेगमेंट दे जिससे कस्टमर हमारे और बढ़ते रहें। अजय जी, आजकल ट्रेंड में जो है ऐसे सीरीज़ के ज़्यादा डिमांड चल रहे हैं और एक एक से ऐसे सीरीज ऐसे आ रहे हैं जो लोगों को पता भी नहीं, और लोगों को अगर पता है भी तो जान लीजिए कि नई नई चीज़ों में होता है क्या। आप जैसे देखिए ये सैमसंग का जो है बर्ड्स लाइव, अब इसकी कीमत है 12,000 रुपये लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो आदमी जब फील करेगा तभी पता चलेगा। और कुछ सस्ते में जब आप कस्टमर को चाहिए जो है तो यू लेवल सीरीज़ है 2400 रुपये में, सुपर चीज़ है, सैमसंग का ही ब्रांड है। उसके साथ साथ आप जो है सैमसंग गैलेक्सी वॉच भी जो है इसको जो है आप ले सकते हैं, इसकी कीमत भी 25,000 रुपये है, जो सारी चीज़ें आपका जो है इसी वॉच से वर्क होगा। स्मार्टफोन के लवर जो है जो महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं तो इसी के हिसाब से ही सारे जो है वर्क होते हैं। और अपने सस्ते ऐसे सीरीज़ में भी आजकल ब्रांड में चले हुए हैं जैसे बोट वगैरह के जो है, प्रोटोनिक वगैरह के, तो बोट के देखिए ये निक बैंड है, कितने सस्ते निक बैंड है, 1100 रुपये में आप लीजिए। अब बोट के इतने अच्छे ब्रांड है जिसमें जो है लोग जानते हैं कि बोट होता है क्या है, स्पीकर हुआ, निक बैंड हुआ, ये देखिए निक बैंड हुआ, अब ये प्रोटोनिक्स के वॉच हुए, ये सस्ते में प्रोटोनिक का वॉच जो है 3500 रुपये में केवल आप लगाइए जो है, अब पूरे जो है महंगे वॉच का जो है मज़ा ले सकते हैं, फील कीजिए। एसेसरीज में आपके पास सारे ब्रांडेड ही रखते हैं हम जो है, चाहे बोट हुआ, चाहे सैमसंग हुआ, चाहे सिस्का हुआ, प्रोटोनिक हुआ, सोनी का हुआ, सारे जो है ब्रांड ही रखा जाता है जो है सारे, जो कम और ज़्यादा जितने भी रेट के फ़ोन होते हैं उस देखिए, जैसे ये नोकिया के फ़ोन है सारे लगे हुए हैं इसमें 3GB 4GB और आपको जो है 10,000 12,000 15,000 के रेंज में सारे फ़ोन मिलेंगे। अगर किसी को कम रेंज में भी चाहिए तो ये सब माइक्रोमैक्स के 5,000 रुपये से लेके 7-8,000 रुपये के रेंज में आईटेल, माइक्रोमैक्स, लावा, ये सब छोटे फोन मॉडल में होते हैं। उसके साथ साथ सैमसंग में जितने भी फ़ोन होते हैं बड़े मॉडल में, ये 5G हुआ, 51 हुआ, 62 हुआ, 12 हुआ, ये सारे मॉडल जो है आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं ओप्पो और वीवो में, तो ओप्पो में भी आपको जो है अच्छे मॉडल मिलेंगे, आपको 9,000 रुपये से लेके आपको जो है 30,000-35,000 तक के जितने फ़ोन आएंगे। अब ये 15,000 रुपये का जो है, 11,000 रुपये, 9-10,500 रुपये सारे फ़ोन मिलेंगे। रियलमी का ये 5G कम से कम रेंज में 15,000 रुपये में आए हुए हैं। उसके साथ साथ टेक्नो के फ़ोन हैं और ये अपना इन्फिनिक्स के, इन्फिनिक्स इस समय जो है अच्छा खासा फ़ोन बिक रहा है जो है कम रेंज में 10,000 के अंदर के बजट में लोगों को। फिर वीवो में आपको मिलेंगे आपको 8,500 रुपये से ले कर 11,000 12,000 14,000 18,000 17,000 22,000 25,000 30,000 यानी सारे मॉडल आपको वीवो में अवेलेबिलिटी मिलेंगी। ये आपको कीपैड में दिखाते हैं जो हमारे जो है नॉर्मल कस्टमर होते हैं जिनको कीपैड में ही फ़ोन चाहिए, तो ये देखिए डाइजू का फ़ोन है, ये रियलमी का ब्रांड है, फर्स्ट टाइम आया अभी अपने पास ही अवेलेबिलिटी है। फिर माइक्रोमैक्स का ये 1000 अंडर 1000 के रेंज में ही हैं, सब लावा के हैं, सब मतलब लगभग सब 10,000 1,000 1,200 1,500 2,000 के बीच में ही है। और फिर सारे देखिए ये ऐसे सीरीज़ में हैं, ये प्रोटोनिक का निक बैंड, ये ह्युंडई का निक बैंड, ये सब निक बैंड जो है सस्ते में ही आए हुए हैं जो कस्टमर लेके अपना जो है एक अलग फील देख सके। तो सारे ऐसे सीरीज़ अब अवेलेबिलिटी है, ये चार्जर वगैरह सारे चीज़ें जो है, चार्जर हुए, निक बैंड हुए, स्पीकर हुआ, सारे चीज़ें आपको जो है एकदम मतलब बेस्ट प्राइस में आपको मिलेंगे। जी एक ज़्यादा जो है इसमें दिक्कतें आती हैं हमारे हर कस्टमर को, जो पुराने फ़ोन ले रहे थे उनको कवर जल्दी मिलते नहीं हैं, तो ये कवर सेगमेंट अपने पास है। और किसी भी फ़ोन का आप मेरे पास आइए, चाहे वो कितना ही पुराना से पुराना फ़ोन हो, उसका कवर मेरे पास अवेलेबिलिटी रहेगा, एकदम हर समय मिलता है। चाहे वो फ़ोन नया लीजिए लेटेस्ट, चाहे जो है 4 साल पुराना ही लीजिए, लेकिन कवर आपको सारे मिलेंगे और बेस्ट प्राइस में मिलेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई अपना रिपेयरिंग कराना चाहता है तो उसके लिए क्या सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल, रिपेयरिंग जो है हर फ़ोन हम रिपेयर करते हैं और जितने भी ब्रांड फ़ोन होते हैं, चाहे वो आईफोन हुए, चाहे सैमसंग हुए, चाहे ओप्पो, वीवो, सारे मेरे यहाँ ओरिजिनल रिपेयरिंग ही होता है, क्योंकि मैं रिपेयरिंग सर्विस सेंटर में ही ले जाके करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कस्टमर जो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हैं।
तो उन्हीं को ट्रस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा समय लेके मैं रिपेयरिंग वहाँ करवा देता हूँ। सारे फ़ोन की रिपेयरिंग आपको जो है एकदम बेस्ट प्राइस में जो ओरिजिनल होता है वही चीज़ लगाया जाता है, और मेरे पास बाहर का कोई भी रिपेयरिंग ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें मैं सर्विस सेंटर से ही करवाता हूँ। वैसे जी जो है देखिए हमारे ये कस्टमर हैं और हमारी इतनी पुरानी दुकान है जिसमें केवल बस दो ही चीज़ों को हम जो है ज़्यादा मायने रखते हैं, एक तो अपने कस्टमर को हर समय खुश करके छोड़े और सर्विस और प्राइस सेगमेंट, ताकि कस्टमर खुद मेरे पास यही सोच के आता है कि चलिए ठीक है अश्विनी जी के पास चलते हैं, वहाँ पे हमको सारा रेंज मिलेगा, सही प्राइस मिलेगी और कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जो है हमेशा वो खड़े रहते हैं। तो ये हमारे कस्टमर हैं जो कि कभी भी जो है कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई दिक्कत से जो है कस्टमर कुछ करता है। अच्छा एक लास्ट सवाल जो आपसे पूछना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे जो कुछ ऐसे भाई बंधु हैं जिन्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है मोबाइल का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल करें, जो है कोई दिक्कत नहीं है, जो है बिजनेस शुरू करने से पहले भाई देखिए होता है क्या है कि अगले का बजट कितना है, बिल्कुल, अब बजट में जो है कितना बजट वो लगाना चाहता है कितना नहीं। आजकल के देखिए ट्रेंड में होता है क्या है कि अपने पास आप 1 से 1.5 लाख जो है डेकोरेशन में लगा दीजिए, उसके बाद फिर अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कम से कम मिनिमम भाई जो है 2.5 से 3 लाख रुपए आप लगाएं तो नॉर्मल एक अच्छा शॉप खोल सकते हैं। उसके ऊपर तो भाई जेन्युइन है कि आप चाहे जितना पैसा लगा जैसा आप रेंज लगाएं जितना रेंज लगा लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, बहुत जगह ये सुनने मिलता है 50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करो मोबाइल का, पॉसिबल है? जी ये तो एकदम पॉसिबल नहीं है, उसमें तो केवल आप जो है कवर और स्क्रीन गार्ड लेके जो है रिचार्ज कर सकते हैं और कहेंगे कि मोबाइल दुकान खुली, एक नॉर्मल शॉप केवल, एक अच्छी मोबाइल शॉप रन करनी होगी तो मिनिमम जो है 2.5 से 3 लाख, कम से कम जो है 2.5 से 3 से 4 लाख रुपये अगर लगाएंगे तो आप जो है अच्छे फ़ोन में और अच्छे डील में रख सकते हैं। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को आप बेस्ट ऑफ लक कर दीजिए जो है जो स्टार्ट करना चाहता है अपना बिजनेस, और इसके साथ साथ जो है आपको अगर इनकी शॉप पे आना है जो है जो उनके पास सारी चीज़ें हैं सर्विसेज हैं बेस्ट प्राइस में हैं तो इनका नंबर इनका नाम जो है शॉप का मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आइए, सारे जो है व्यूअर्स का मोस्ट वेलकम है जो है, और इनसे जो ऑफर होगा वो जरूर करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।